एक तरफ सरकार लोगों को सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को कहती हुई नजर आती है, परंतु वहीं दूसरी तरफ सुजानपुर में बस स्टैंड का ना होना सरकार की इन हिदायतों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बता दें कि सुजानपुर में बस स्टैंड ना होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हर बार सरकार बदलने पर वहां बस स्टॉप का उद्घाटन किया जाता है, परंतु कुछ समय बाद वह भी बंद हो जाता है, जिस कारण कोई भी बस वहां नहीं रुकती और उन्हें बस से सफर करने के लिए पठानकोट बस स्टैंड जाना पड़ता है। सुजानपुर शहर के वासी साड़ी गवर्नमेंट को यही अर्ज है कि इतने बस स्टॉप बनाया जाए जेड़ा कि जे एंड के पंजाब में बसा चल दिया ने और पठान जो पठानकोटों चल दिया उतने सवारी जाती है वो इतों बह के जान अपना सफर अदा कर जे एंड के जाते अपना सफर अदा कर इतने और इतने भी ट्रेन वापस जी कोई आता सुजानपुर का नाग नाग आदमी और टिकट इतने तक ही होनी चाहिए पठानकोट की नहीं रोकती और गड्डिया जड़िया खाली जाती पा रोकते हैं सवारियां खोते तो चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे होते हैं वैसे कोई धुप तो लैके शरीर का हर बंदा खोता हाँ जी उन्होंने गवर्नमेंट का अर्ज यही है कि इतने बस स्टैप ये उद्घाटन भी हो पूरी साहब ने भी किए लेकिन एनी मर्यादा कोई नहीं है जी आज बेकार के लिए याद रखें रागी होम डेकोर केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113